हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 अप्रैल और अभी 10:45 हो रहा है और फाइनली फिर से मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि अभी अगर हम लोग व्लॉग चैनल पे प्रॉपर एक्टिव हुए ही है तो हफ्ते में 2 या 3 व्लॉग बनाते रहूँ। 3 ज्यादा हो जाएगी अभी के लिए, पर 2 जरूर बनाऊंगा। सो बेसिकली देखो, आज मार्केट जो है ओपन तो नीचे हुआ था, पर बाद में अगर अपन स्टॉक स्पेसिफिक देखे ना तो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा जो अच्छा सेक्टर है ना वो है मेरे ख्याल से आईटी होगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। यस, आज सबसे ज्यादा जो सेक्टर चला है वो आईटी ही चला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आईटी ने बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। और आईटी के अंदर मेरा जो सबसे ज्यादा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो सबसे ज्यादा, एक तो मेरा टेक महिंद्रा है, दूसरा ये स्टॉक है जो अपना LTTS, इसके अंदर मेरा ध्यान अच्छा है क्योंकि इसने अपने 2000, ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो 2022 का ही रेजिस्टेंस है, इतना बड़ा नहीं है, बट ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है यहाँ पे और अच्छे कंसोलिडेट करने के बाद तोड़ा है। तो मेरा तो ये जो ट्रेड है वो चल ही रहा है, मुझे टर्मिनल के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आज का दिन का हमारा प्लानिंग ये है कि अभी मैं अपना ये जो ब्रेकफास्ट है मैं जनरली यहाँ पे ही करता हूँ, तो ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा मैं बांद्रा टर्मिनल। पहले यहाँ से घर जाऊंगा क्योंकि मैं घर से यहाँ पे बाइक पे आया हूँ और मेरी ऑफिस और घर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो मैं जनरली बाइक से आ जाता हूँ। तो अभी मैं बाइक घर छोड़ दूंगा, घर से कार लूंगा, कार से बांद्रा टर्मिनल जाऊंगा। आज हम लोग एक पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं हमारे ये वाली जगह पे जहाँ पे हम लोग हमेशा करते हैं, तो बांद्रा टर्मिनल जाना है। और जो आज के हमारे गेस्ट है ना, उनका नाम है गोविंद जवाहर जी, सूरत में रहते हैं। और एक इनका एक स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में इन्होंने मेरे से फोन पे बात किया था, और ये इंडेक्स बाय करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उनको बोला कि सर आप हमारे पॉडकास्ट में आइए और हमारे लोगों के साथ शेयर करिए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग करेंगे। और तो मैं उनको पिक करने जाऊंगा और फिर वही है आज पॉडकास्ट का शूट है। और स्वरा मैडम यहाँ पे बैठी है अपने यहाँ पे। स्वरा जी आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो वो तो पता है, पर आज का क्या प्लान है? ओके चलो ठीक है। तो स्वरा मैडम जो है ना वो हमारे जो भी डिस्काउंट ब्रोकिंग वाले अकाउंट होते हैं जो भी खुलते हैं बैक एंड में, उनके ऊपर ध्यान देती है, किसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो ध्यान देती है और ये सारी चीज चलती है। तो बस मैंने सोचा कि आज का जो डे है मैं आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू दिखाऊं। तो चलो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ही इसको खत्म करता हूँ। अभी मैं जब यहाँ से निकलूंगा, घर जाऊंगा और फिर करूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये अभी भी आईटी स्टॉक्स ही चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज आईटी का डे होगा। और LTTS भी अच्छा चल रहा है, टेक महिंद्रा तो ओके ओके है। जस्ट मैं आप लोगों को मेरी पोजिशन बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, अभी मेरे पास अशोक लेलैंड के 2 लॉट ओपन है और फिर जिंदाल स्टील है ये 1 लॉट, LTTS है, फिर मारुति है, और टेक महिंद्रा में अभी फिलहाल लॉस हो रहा है बिकॉज रोल ओवर प्राइस है। और ये अशोक लेलैंड का मैंने जो पुट लिया था उसमें मुझे लॉस हो रहा है, तो अभी फिलहाल अपना M2M तो ग्रीन है। बाकी हमारे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक से आज मेरा पोर्टफोलियो इतना ऊपर है, ओवरऑल इतना ऊपर है। तो देखो मैं आप लोगों को ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो मेरी पोजीशन क्या है क्या नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल आपने बहुत सिंपल बनाई है और आप उसमें एकदम कॉन्फिडेंट हो तो आप ऐसे मार्केट को ओपन छोड़ के, अभी मैंने जूते पहन लिए, आप जा सकते हो बाहर और आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो, आप दूसरे काम भी कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठो। ऑब्वियसली मार्केट शुरू हुआ, हमने देख लिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे काम करने के लिए। चलो मैंने बाइक ले ली है, घर जाके कार पिक करते हैं और जाते हैं बांद्रा टर्मिनल। बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है और जो मेरा टिफिन बैग था वो मैंने हमारे विंग के वॉचमैन के लॉबी वाले लॉबी एरिया में दे दिया है, मेरी वाइफ आके ले देगी। अब मैंने अपने भाविका को बोला था कि कार निकाल के रखने के लिए, तो अभी वो देखता हूँ। ये रही, उन्होंने अपनी कार भी निकाल के रख ली है हमारे वॉचमैन ने, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। एकदम टाइम पे हूँ, मैप में अभी मैंने चेक किया, मुझे बता रहा है कि मैं 11:50 तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और जो हमारे गेस्ट थे वो भी 11:50 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो आई होप आगे रास्ते पे मुझे ट्रैफिक ना मिले। ये मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने टायर को चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप हमारे व्लॉग देखते हो ना तो आप लोगों को पता होगा कि
कि हमेशा मेरे, अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले मेरे टायर के प्रेशर को चेक कराया था, सब सही था। या तो टायर के प्रेशर में कोई इशू है या फिर टायर कोई पंचर है, पता नहीं क्या इशू है। वापस से साइन आ गई है कि लो प्रेशर वाली, ये देखना पड़ेगा मुझे अभी सर्विस में देके, या तो फिर अभी चेक करवाना पड़ेगा। वैसे मैं अभी रास्ते पे हूँ, ऑन द वे हूँ और निकल चुका हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, देखते आगे क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे बैंड्रा के कलानगर वाले सिग्नल पे आ गया हूँ। आगे से यू टर्न मार के मुझे बैंड्रा टर्मिनल्स जाना है। मुझे गोविंद जी का मैसेज आ गया था कि थोड़ी देर पहले ही आया था कि वो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे, तो शायद उनको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। बट ठीक है, हम तो हमारे प्रॉपर टाइम पे है, देखते अभी मिलते हैं गोविंद जी से भी। मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोग ब्लॉग में देखोगे। वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर बता देता हूँ, ये हमारा बैंड्रा का ईस्ट साइड का स्टेशन है। यहाँ पे BKC है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज है, पर यहाँ पे स्टेशन की हालत बहुत खराब है। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे ये लोग चेंज करते हैं। अगर आप बैंड्रा वेस्ट देखोगे ना तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है, बैंड्रा ईस्ट तो बहुत ही खराब है। और जब बारिश होती है तो यहाँ की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखो, यहाँ से ऑटो वाले रॉन्ग वे में आते हैं बिंदास। मतलब आप अभी देखना, जस्ट मैं आप लोगों को कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ कि देखो यहाँ के जो लोकल होते हैं ना वो तो बिंदास रॉन्ग वे में ही आते हैं। अभी ये जैसे यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, पहुंच गए हैं हम लोग बैंड्रा टर्मिनल्स। और अभी मैं गोविंद जी को फोन करता हूँ और यहाँ पे उनको बुला लेता हूँ। गोविंद जी आ गए यहाँ पे, थोड़ा वहाँ पे चले गए थे पर अभी आ गए हैं, तो अभी लेते हैं गोविंद जी को और निकलते हैं। सर जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? मस्त थी। हाँ सही था। कौन से ट्रेन से आप? मैं आया था कच्छ एक्सप्रेस। ओके, सो सूरत से हाँ मुंबई। और प्रॉपर सर आपको वहाँ पे सीट वगैरह मिल गई? हाँ, एकदम मस्त। चलो सही है, तो अभी हम लोग निकलते हैं। और लंच करोगे? यस। चलो पहले लंच करते हैं फिर ऑफिस जाते हैं। डन। सर और हम लोग अभी एक होटल में आ गए हैं, रेस्टोरेंट में, और हमने ये सब्जी मंगाई है, रोटी वगैरह है। अभी यहाँ पे लंच हमारा कर लेंगे और सर फिर अपन वीडियो रिकॉर्ड करने जाएंगे। मेरे को ज्यादातर तो टर्मिनल का काम है ही नहीं। मैं ऑफिस में हूँ तो मैंने टर्मिनल चालू कर लिया, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मेरा ये लैपटॉप मेरे साथ है। बराबर, मेरे को वो बहुत हो गया। मेरे को चार्ट देखना है और कुछ नहीं देखना है। और मैं सौदा मारता हूँ बहुत रेयर। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना तो मेरा अपने अकाउंट से मोबाइल से सौदा मारता हूँ टर्मिनल से। अब मैं यहाँ पे मारूं, मुझे कॉम्प्लायंस संभालना पड़े कि ये ऑप्शंस वगैरह, ऑप्शंस भी करते हैं अपन। मैंने ध्यान के लिए रखा है अभी, जैसे अभी मेरी बहुत सारी पोजीशन लॉक है तो मैंने सोचा कि यार पूछ लगा के रखते हैं, अगर साइन आया तो खरीद लेंगे। जो स्विंग ट्रेड है उसको हेज करने के लिए रख लेंगे। ओके ओके, हेजिंग के लिए देखना तो फिर लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन भी सारा अभी आपसे सीखूंगा ना मैं। लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन बहुत मजेदार है। यस, तो अभी हम लोग ऑफिस में आ गए हैं और अभी कितना बज रहा है? 1:45 हो रहा है सर। नहीं, 1:45, यस 1:45 हो रहा है। तो अभी अपन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और मैं सर को अपनी सिस्टम बता रहा था, तो सर आप बताइए कैसा लगा ये मेरा? बहुत बहुत, मतलब एकदम क्लीन सिंपल है पूरा सिस्टम, मतलब एकदम इजीली। और नॉर्मली मैं इतना चार्ट में मास्टर नहीं हूँ। वैसे सिस्टम का मतलब ये नहीं कि हमारे लैपटॉप बता रहा था, मेरा जो ट्रेडिंग मेथड है वो बता रहा था सर। बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रेडिंग मेथड, और काफी क्लियर है ये, कैन मेक सेंस। Yes. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो ना, जिनको वेल्थ बनानी हो और सिस्टमेटिक काम करना हो, उनके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। सही है, तो चलो अभी मैं सर की सिस्टम समझता हूँ और आपको ये पॉडकास्ट हमारे मेन चैनल पे देखने मिलेगा। और आप सीए कब बने थे? 2001 था। ओके, तो और तब से ऑप्शंस का काम, शुरुआत से मुझे जॉब जो मिली हाँ, तो वो मुझे डेरिवेटिव्स मार्केट में ही मैंने वो ढूंढी। एक पुट हमको कंटिन्यूअसली रखना ही है हाँ। अब मुद्दा एक पॉइंट तो जरूर आता है कि यार एक पुट खरीदा है, बीच में बाजार एक बार जोर से टूट गया हाँ, तो क्या हम उसके एनकैश कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कर सकते हैं। ओके, कि वो 18,000 का पुट कोई भी प्रीमियम चले तो खरीदने में क्या हाँ, क्योंकि वो टाइम पे वो महंगा होगा। महंगा होगा, कोरोना के टाइम पे ये एट द मनी पुट 16% चला गया था, 16%। अभी हम लोग ने सर के साथ जस्ट अभी हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट किया है और ये ऑलमोस्ट 55 मिनट्स का था।
एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहां पे जब पॉडकास्ट खत्म होता है ना वही टाइम पे मेरे दिमाग में ये आता है कि यार ये बहुत सही कंटेंट था। तो मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी जरूर दूंगा, जब भी ये हमारे मेन चैनल पे आएगा आप लोग इसको जरूर देखना। इसमें सर ने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई है और ये स्ट्रैटेजी कोई ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है। सर ने बताया है कि आप इंडेक्स को लेके लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन। अगर 22,000 का इंडेक्स 12,000 भी हो जाएगा ना तो आप लॉस नहीं करोगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। और आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वे के अंदर में ये पूरी चीज को अपने रिकॉर्ड किया। हाँ। तो मुझे पता समझ में आ रहा है कि मुझे एक रिटेल इन्वेस्टर जब इसको सुनेगा समझेगा तो उसके जीवन के अंदर में वेल्थ क्रिएशन की एक तो मन के अंदर में उसके भाव जगेंगे कि यार मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। हाँ। और दूसरा मुझे सेफ्टी के साथ वेल्थ क्रिएट करनी है, ये उन्हें समझ में आएगा। और आप भी जिस लेवल पे एफर्ट्स लगा रहे हो ये सब चीजों को मार्केट करने के लिए कि भी उनको ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, दैट इज रियली फैंटास्टिक। नहीं सर, हमारा काम तो वही है ना कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले। मैं जब हमारी सर के साथ बात हुई थी ना फर्स्ट टाइम तो सर को मैंने बोला था सर मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे चैनल पे आओगे मुझे कॉन्टेंट मिलेगा, आपको व्यूअर्स मिलेंगे जो लोग आपकी स्ट्रैटेजी सुनेंगे और लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो मैं इसमें तीन लोगों का फायदा होगा अगर आप आओगे तो। और सर बहुत ही काइंड से सर आ गए हमारे पास और आज यहाँ पे बैठे हैं। और ये सर और चेतन ये एक ऐसा पर्सन है जो कैमरे के पीछे रहता है और मैं इसको हमेशा हर पॉडकास्ट के बाद बोलता हूँ कि तुझे कैसा लगा। तो चेतन तुझे कैसा लगा? बहुत सही था, मतलब बहुत अच्छी चीजें सीखने मिली कि कैसे करना है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये जस्ट एडिट हो और मैं प्रॉपर देख सकूं वो पीपीटी के साथ। हाँ, क्योंकि कैमरे के पीछे वाला आदमी अगर समझ जाता है ना तो समझ लेना कि वो मेथड इतनी सिंपल है कि इसको भी समझ में आ गई है। तो बस वही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सर। वापस लॉक खोल चेतन। तो अभी बस हमारा हो गया है पॉडकास्ट और हम सर को छोड़ रहे हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक यू एंड आई एंजॉय। सही है। और ये जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, बताना मुझे। इवन ये व्लॉग भी जब हम पोस्ट करेंगे और हम भी शेयर करेंगे इसको। यस यस। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं फिलहाल सर को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हम लोग निकल गए हैं और मैं घर की तरफ जा रहा था तो अभिजीत हमारे ऑफिस में आया था। ये हमारे पास पहले काम करता था कितना, 1.5 साल पहले। यस यस, है ना। फिर तूने HDFC बैंक में सिक्योरिटीज में ज्वाइन किया था। अभी खुद ट्रेडिंग करता है अच्छा अपना। तो ये है और इसको मैं ये तू स्टेशन जा रहा है, स्टेशन जा रहा हूँ। वहां से फिर वहां से सायन। सायन तो अभी तो ये फिलहाल सायन में रहता है, वैसे ये है सातारा से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और मैं अपने यहाँ पे एक सिग्नल है वहां पे रुका हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो बस ये था हमारा आज का ये व्लॉग। देखो आज के व्लॉग में कुछ ज्यादा था नहीं और आपको मेरे व्लॉग में कोई ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। बस जो एक्टिविटी होती है मेरे डेली बेसिस पे, जो डेली रूटीन पे होती है वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, गोविंद जी आए थे उनके साथ हमने पॉडकास्ट बनाया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को व्लॉग बना के दिखा दूँ। तो बस अभी सिग्नल ऑन हो गया है, मैं आप लोगों को आगे मिलता हूँ। मैंने हमारी जो मेरी कार है वो पार्किंग के लिए दे दी है और अभी 5 बज रहे हैं, मैं घर पे आ गया। आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसके कुछ जो भी मोमेंट्स है वो शेयर करूँ, आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो ये जो पॉडकास्ट है ना अभी आप लोगों को 13th को मोस्टली दिखेगा हमारे चैनल पे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आई विश आप लोगों को आज हमारा ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा। और कुछ खा नहीं, देखो हो गया काम अपना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आज मैंने मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं देखा, मार्केट ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, ऐसी ही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सही है, आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।